पाकिस्तान में शुक्रवार यानी आज सुबह 10 बजे सीनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के लिए चुनाव हुए। इसके लिए हर पार्टी ने अपनी कमर कस रखी थी। एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी को सीनेट के चेयरमैन और JUIF के नेता मौलाना अब्दुल गफूर को डिप्टी चेयरमैन के लिए खड़ा किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ इमरान खान की सत्ताधारी पार्टी यानी कि PTI ने कार्यकाल खत्म कर रहे चेयरमैन मोहम्मद सादिक संजरानी को ही दोबारा इस पद के लिए अपना प्रत्याशी बनाया। पाकिस्तान के अखबार द डॉन के मुताबिक सीनेट में विपक्ष का पलड़ा भारी था, लेकिन इसके बाद भी सत्ता और विपक्ष के बीच जोरदार टक्कर दिखी। डॉन का कहना है कि इस चुनाव में विपक्ष पार्टी के प्रत्याशियों के जीत के आसार ज्यादा लग रहे हैं। सरकार भी इसे अच्छी तरह से जान रही है, इसलिए जीत हासिल करने के लिए वो अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। आपको बता दें कि सीनेट पाकिस्तान का उच्च सदन है जिसमें 104 सांसद हैं। यहाँ पर सांसदों का कार्यकाल 6 साल का होता है और मौजूदा सीनेट में होने को तो 100 सदस्य हैं। इस तरह से विपक्ष के पास 52 सांसद हैं, वहीं सत्ताधारी पार्टी PTI के पास 47 सांसद हैं। चुनाव से पहले पूर्व प्रधानमंत्री और वरिष्ठ विपक्षी नेता शाहिद खाकान अब्बासी ने देश की सिक्योरिटी एजेंसियों से इस चुनाव के बाबत न्यूट्रल रहने की सलाह दी थी। उन्होंने प्रधानमंत्री इमरान खान पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इमरान खान ने संसद के ऊपरी सदन सीनेट की एक सीट बेच दी। उन्होंने इस सीट के लिए बलूचिस्तान के एक बड़े कारोबारी से 70 करोड़ रुपए की डील की। PMLN के वरिष्ठ वाइस प्रेसिडेंट अब्बासी ने आरोप लगाया कि मोहम्मद अब्दुल कादिर ने 3 मार्च को हुए सीनेट का चुनाव निर्दलीय के तौर पर लड़ा और उन्हें सत्तारूढ़ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी और अन्य पार्टियों के वोट मिले। PTI के सांसदों ने खान के निर्देश पर कादिर को वोट दिए जिन्हें उनसे 70 करोड़ रुपए मिले थे। PMLN के वरिष्ठ वाइस प्रेसिडेंट अब्बासी ने आरोप लगाया कि मोहम्मद अब्दुल कादिर ने 3 मार्च को हुए सीनेट का चुनाव निर्दलीय के तौर पर लड़ा और उन्हें सत्तारूढ़ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी और अन्य पार्टियों के वोट मिले। मरियम ने खुफिया एजेंसियों पर लगाया आरोप। इस बीच PMLN की उपाध्यक्ष मरियम नवाज ने सीनेट के अध्यक्ष पद के लिए होने वाले चुनाव में दखलअंदाजी को लेकर सेना को चेताया। उन्होंने खुफिया एजेंसियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी पार्टी से सीनेट के सदस्यों को फोन आ रहे हैं कि वे सीनेट अध्यक्ष पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी के लिए मतदान नहीं करें। इसके बाद पाकिस्तान के पूर्व PM यानी कि मरियम नवाज के पिता नवाज शरीफ ने एक वीडियो जारी करके दावा किया कि उनकी बेटी को पाकिस्तान आर्मी के आला अधिकारियों ने सुधर जाने की नसीहत दी है। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उन्हें रास्ते से हटाने की धमकी भी दी गई है। नवाज शरीफ ने सीधे तौर पर आगाह करते हुए कहा, मैं खुदाई लहजे में धमकियां देने वालों को तंबीह करना चाहता हूं कि अगर किसी ने कोई मजमूम हरकत की तो उसके जिम्मेदार इमरान खान के अलावा जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल फैज हमीद और जनरल इरफान मलिक होंगे। जो कुछ आपने किया है और करते चले जा रहे हैं, ये संगीन जुर्म है जिसका आपको बहुत जल्द हिसाब देना पड़ेगा इंशाल्लाह।